Let's do question number 4th of exercise 1.1, that is rational number. Question number 4th is find the multiplicative inverse of the following. अब हमें क्या निकालना है? Multiplicative inverse निकालना है. तो कैसे करेंगे multiplicative inverse में? देखिए multiplicative inverse का मतलब होता है कि अगर कोई a है value तो 1 upon a upon में चली जाएगी. अगर 1 upon a है तो वो ऊपर चली जाएगी. Right? डिवाइड हो जाएगी, मतलब अगर नीचे है तो ऊपर चली जाएगी वैल्यू, अगर ऊपर है तो नीचे आ जाएगी. राइट, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट होता है डिवीजन, तो मतलब इसको डिवीजन में लेके आना है. जो मल्टीप्लाई में है ऊपर की साइड है, न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी और डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर में चली जाएगी. सिंपल. तो चलिए फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं अपना. फर्स्ट पार्ट है -13. तो देखिए अब 13 कहाँ है? न्यूमरेटर में नीचे कुछ नहीं है. देखिए अपॉन 1 है, तो मैंने आपको बताया जो वैल्यू न्यूमरेटर में है वो तो ऊपर डिनोमिनेटर में चली जाएगी. तो ये कितनी आ गई? 1. डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ गया और न्यूमरेटर में क्या था? -13. तो वो कहाँ आ गया? डिनोमिनेटर में. देखिए डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में आ गई और न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ गई. दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ऑपोजिट हो जाना. राइट, इनवर्स हो जाना. अब इसी तरीके से सेकेंड पार्ट देखते हैं. -13/19. अब डिनोमिनेटर में जो था 19 वो न्यूमरेटर में आ गया और -13 जो न्यूमरेटर में था वो कहाँ आ गया? डिनोमिनेटर में. तो दिस इज द आंसर. सिंपल. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब 1/5. तो देखिए 1/5 का मतलब क्या है? 5 ऊपर आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ गया और 1 डिनोमिनेटर में, और इसको हम 5 भी लिख सकते हैं. दोनों वैल्यूज सही हैं. राइट, लेट्स डू फोर्थ पार्ट नाउ. फोर्थ पार्ट इज -5/8 इंटू -3/7. अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं. कैसे करेंगे? देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 3 15, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई होगी. पहले कुछ कटता है तो काट दीजिए, वरना अब देखिए कुछ कट नहीं रहा है यहाँ पे, कुछ भी ऊपर नीचे कॉमन नहीं है. राइट, तो हमने क्या किया? ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई कर दी और नीचे की नीचे. तो 8 7 56 और माइनस माइनस प्लस था. अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? देखिए दूसरे कलर में लिख रही हूँ, जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो 56/15 इज द आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ. फिफ्थ पार्ट इज -1/-2/5. पहले ये मल्टीप्लाई हो रहा है दो वैल्यूज, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. देखिए माइनस माइनस प्लस, 2 1 2/5, तो ये प्लस का 2/5 हो गया. राइट, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे. तो जो डिनोमिनेटर में थी वो वैल्यू वो न्यूमरेटर में आ गई और जो न्यूमरेटर में थी वो डिनोमिनेटर में आ गई. तो इसका मतलब 5/2 इज द आंसर. लेट्स डू लास्ट वन. लास्ट वन इज माइनस, सिक्स पार्ट इज -1. देखिए -1 को 1/1 भी लिखेंगे तो क्या आएगा? देखिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/-1. अब -1 डिनोमिनेटर में है तो हम उसको क्या ले जाएंगे? न्यूमरेटर में लेके चले जाएंगे. तो देखिए प्लस माइनस माइनस और 1 1 ज़ 1, इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ 1. तो -1/1 लिखें या -1 लिखें, आंसर सेम ही है. तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी -1 ही होगा आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ एक्सरसाइज 1.1, दैट इज रैशनल नंबर. क्वेश्चन नंबर 5 इज नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें ये बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है. तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना. फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? फर्स्ट पार्ट इज -4/5 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 × -4/5 इक्वल्स टू -4/5. तो देखिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है, हमने किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा. तो ये क्या होती है? ये होती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कहती है कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए किसी भी नंबर को, रैशनल नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही नंबर आएगा, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कि अगर हम -4/5 को 1 से करें मल्टीप्लाई या 1 को -4/5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर -4/5 ही आएगा। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट कॉपी कर लेते हैं अपना। सेकेंड पार्ट है हमारा -13/17 × -2/7 = -2/7 × -13/17। तो देखिए ये क्या कौन सी प्रॉपर्टी हुई, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करें या इसको इससे, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करें या इसको इससे मल्टीप्लाई करें, यही चीज़ लिखी है, आंसर सेम ही आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई हमारी, दैट इज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव आइडेंटिटी कहें या लॉ कहें, बात एक ही है, राइट। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट कॉपी कर लेते हैं अपना। थर्ड पार्ट है हमारा -19/29 × -29/19 = 1। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, देखिए आप देखेंगे -19 अब डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, और जहाँ जो चीज़ यहाँ डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में, तो ये क्या हो गया, इन्वर्स हो गया, उसका ऑपोजिट हो गया जो हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा है। तो ये हो गई हमारी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आइडेंटिटी, मतलब उसके ऑपोजिट से हमने, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब था, देखिए जो न्यूमरेटर में थी वो डिनोमिनेटर में आ गई, जो डिनोमिनेटर में थी वो न्यूमरेटर में चली गई। जब भी हम किसी भी नंबर को उसके इन्वर्स से, देखिए किसी भी नंबर को अगर हम उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, ये कैंसिल हो जाता है और हमारा आंसर हमेशा 1 ही आता है। तो दिस इज़ द आंसर।